विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवोद्भूतम् यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमैदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्याज्ञा धर्मशास्त्रं सहज सुचिकथा ब्रह्मविद्या नवद्या ध्यानं सर्वात्मभानं स्थिरचरहितकृच्छेमुषी शांति भूषा आश्चर्यं चारुचर्या जननयन मनो मोहनी मुक्तवर्या संपूर्णानंद तीर्थं गुरुमृतमृतं ब्रह्म मूर्तं प्रपद्ये। ओम विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत। ओम नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण बलराम श्री दामा सुबल ग्वालों के नाम भागवत में है, परंतु किसी गोपी का नाम भागवत में नहीं है। न राधा का, न ललिता का, न चित्रा का, न विशाखा का, गोपी का नाम है ही नहीं भागवत में। सामान्य नाम है गोपी। वो छिप के श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। सुखदेव जी ने भी उनको छिपा के रखा है। गोपी है गोपी, जो स्वयं अपना नाम छिपावे उसका नाम दूसरे को भी जाहिर नहीं करना चाहिए। हम कहें एक आदमी ने ऐसा कहा तो दो आदमी आपस में चर्चा करें उनके बारे में बोल रहे हैं। लो बोला जिस पे हम एक रद्दा माटी डालें, सुनने वाले को उस पर दो रद्दा और डाल देना चाहिए। नारायण, अब तो श्री कृष्ण भगवान बलराम श्री रामा सुदामा सबल स्तोक कृष्ण मधुमंगल कुसुमास रेंदा पेंदा तेंदा सब मथुरा गए थे। सब मथुरा गए थे, लौट के आए और खूब दूध मलाई चढ़ाई लोगों ने और रात को सो गए प्रेम से। उनको मालूम था कि कंस रात को यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं भेजेगा, मालूम कर लिया पहले। तब खूब आराम से कान दुपट्टा सो गए सबके सब। जब सवेरा हुआ रात को कंस को तो नींद ही नहीं आवे। दीर्घ प्रजागरो भीतो, जिसको किसी से डर होता है, दुश्मनी होती है, चिंता होती है और उसकी पल्स बढ़ जाती है, वो धड़कन बढ़ जाती है। अब तो असगुन देख है, अपने ही सिर अपने शरीर पर नहीं दिखे नारायण परछाई में, और एक एक ज्योति एक एक तारा दो दो दिखे छाया में, छिद्र की प्रतीति होए, बड़े बड़े असगुन होने लगे। अब बहुत रात बाकी थी तभी वो उठा और हुक्म कर दिया और आज दंगल होगा, आज बड़ा भारी हो पहलवानों का युद्ध होगा, सबके लिए अलग अलग बैठने के मंच बना दिए गए। उसमें नगर के लोग अलग बैठे, देहात के लोग अलग बैठे, ब्राह्मण क्षत्रिय अलग बैठे, कंस आकर सबसे ऊंचे मंच पर जो अपने लिए अलग बनवा रखा था उस पे बैठा, बाजे बजने लगे। नारायण बड़ा सुंदर मंच बनाया था। सो ग्वाल भी नंद बाबा और उनके साथ और जो दूसरे हैं वो सब वहां आए
वो भी भेंट पूजा कंस के सामने रख के अपने अपने मंच पर बैठ गए। नारायण इधर जब नगाड़ा बजने लगा जो पहलवानों के लिए बजता है, तो कृष्ण और बलराम भी आए। आए दरवाजे पर तो वहाँ कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा करके और वो जो पीलवान होता है अम्बस्ट वो खड़ा था। अब महाराज सीधे तो बात ही नहीं करें, कोई हम लोग नागरिक थोड़े हैं, लखनऊ की नजाकत तो थी नहीं उन लोगों में, गांव के गवाह। बोले अरे ओ हाथी आम हटा दे अपना हाथी, नहीं तो हाथी और तुमको दोनों को हम जमराज के हवाले करते हैं। बस पहली बात यही बोले हो है ना। ये नहीं कि जैसे ताई जी बोलते हैं ना पंजाब में, पंजाब में भाई जी नहीं बोलते हैं, ताई जी बोलते हैं। भगवान को पकवान बोलते हैं। ऐसे नहीं, अब तो महाराज वो अम्बस्ट को भी आया क्रोध, उसने हाथी को उनकी ओर चढ़ाया। कभी उसके भीतर पेट के नीचे चले जाए, छोटे छोटे बालक तो थे, कभी सूंड पकड़ के छेड़ दें, कभी पूंछ पकड़ के खींच लें। एक बार ऐसा उसके सामने गए, दांत से मारने के लिए जो उसने आक्रमण किया, सो वो तो भाग गए और उसके दोनों दांत धरती पर गिरने से टूट गए। टूट गए तो उन्होंने एक एक उठा लिया दांत, और वो पिटहासा उसको महाराज के वही मर गया। ये पिटहासा भी देहाती बोली है, वो ये लखनऊ की नहीं है। खूब पीटा मर गया वहीं, और खून उछल उछल कर उनके शरीर पर पड़ गए, और कंधे पर वो दांत रख करके भीतर घुस गए। अब वहां देख करके महाराज किसी को कैसा, अपना भाव ही असल में दिखता है, दुनिया नहीं दिखती है, वो अपना भाव दिखता है। अपना ही मन बाहर आके किसी को साधु, किसी को चोर, किसी को चमार। आदमी जो दुनिया का वर्णन करता है उसमें दुनिया का वर्णन नहीं होता, वो है ना अपने दिल का वर्णन होता है। श्री कृष्ण भगवान कैसे लगते हैं, मल्ला नाम असनिर नृणाम नरवरहा। पहलवानों को दिखा के कोई वज्र आ गया, मनुष्यों को दिखा श्रेष्ठ मनुष्य है, स्त्रियों को मालूम पड़ा कि आज तो मूर्तिमान कामदेव ही आ गया है। गोप कहे अरे ये तो मेरा भैया कन्हैया है। दुष्टों को लगे ये तो हमारा शासन करेगा। माँ बाप को लगे कि जैसे हमारा बच्चा है। कंस को लगे हमारी मौत आ गई। जो लोग ब्रह्म ज्ञानी नहीं है उनको तो विराट ही सच्चा लगता है सबसे बड़ा। उनको मालूम पड़ा कि ये विराट है। जोगियों को मालूम पड़ा परम तत्व है। भक्तों को मालूम पड़ा हमारे परम देवता हैं, वही बलराम और वही कृष्ण। अब तो कंस देख करके कुवलिया पीठ का दांत और उनके शरीर पर नारायण वो बिंदु का रक्त के खून के बूंद पड़ी हुई है, सो नारायण वो तो बेचैन हो गया। नारायण अब उसको सब लोग उचक के हो जो मंच पर बैठे थे ना देखने लगे, नगर के लोग भी देहात के लोग भी, बड़ा आनंद जैसे मालूम पड़े आंखों से पिएंगे, ऐसा मालूम पड़े जीभ से चाटेंगे, ऐसा मालूम पड़े नाक से सूंघेंगे, ऐसा लगे कि सब लोग यही चाहें कि इसको पकड़ के दोनों हाथ से अपने हृदय से लगा लें। सब अब श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करने लगे। उटपटांग है वो वर्णन जो है वो थोड़ा उटपटांग है। क्यों तो अफवाह गांव में जैसी फैलती है ना, किसी ने कुछ सुन रखा है, किसी ने कुछ सुन रखा है। वही कोई बलराम जी के काम को कृष्ण पर, कृष्ण के काम को बलराम पर। बोले हमने सुना है कि ये यही मथुरा में वसुदेव देवकी से पैदा हुए हैं। अब तो महाराज चाणूर जो था वहाँ, उसने श्री कृष्ण और बलराम दोनों को बुलाया पुकारा। अरे वो कृष्ण वो बलराम, नारायण ने तो कोई अर्थ नहीं, कोई तुम बैठो आनंद से। मैंने सुना है कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में, नियुद्ध शब्द होता है कुश्ती के लिए संस्कृत में, तुम लोग बड़े नियुद्ध में बड़े कुशल हो। राजा ने इसीलिए तो तुमको बुलाया है कि हम लोग उसके सामने यहाँ आपस में जोर करें। उस्ताद हैं, सागिर्द हैं, सब के सब
आपस में जोर करें और दांव पेच दिखावें अपने मालिक को, वो खुश होंगे। श्री कृष्ण बोले, बड़े बात करने में बड़े होशियार हो। श्री कृष्ण की एक बात जहां जहां उन्होंने किया है, बड़ी बुद्धिमत्ता का व्याख्यान दिया है। बोले कि देखो जी, ये तो सही है कि हम भी भोजपति महाराजा कंस के सेवक हैं, उनकी प्रजा हैं, और तुम भी हो, और हम लोगों को चाहिए कि उनको खुश करें। ये तो उनकी कृपा है कि हमको बुलाया है। तन्ना परम अनुग्रह, बड़ी कृपा है। कोई किसी की बीमारी की बात करे तो ये मत कहना कि अब उनकी उम्र बड़ी हो गई है ना। ऐसे कहना कि अभी ईश्वर करे 100 वर्ष की उनकी आयु हो, ऐसे बोलना हो, नहीं तो सुनने वालों को बुरा लग जाता है। अब बोलने का एक ढंग होता है। बोले देखो जी, हम तो बच्चे हैं, तुम पहलवान हो बड़े बड़े, तो तुम लोग आपस में लड़ो, हम बच्चे बच्चे आपस में कुश्ती लड़के दिखावेंगे महाराज को। चाणूर ने कहा कि नहीं बाबा, तुम बच्चे नहीं हो, खेल खेल में तो इतने बड़े हाथी को मार दिया, अब यहाँ बच्चे बनते हो, आओ मई विक्रम वार्ष्णेय, मेरे ऊपर तुम प्रहार करो, और बल के साथ मुष्टिक की लड़ाई होगी, वो घूसे वाली लड़ाई होती है ना, क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग। बलराम जी घूसे की लड़ाई में बहुत तेज थे, एक घूसा प्रलंबासुर को मारा था वहीं देर। तो महाराज श्री कृष्ण ने, बलराम ने, दोनों ने किया संकल्प। अब इनमें दाव पे इसके बहुत वर्णन है, हो क्या क्या दाव लगाया, और उसको ये जो मल्ल शास्त्र पढ़ते हैं ना, लोगों ने अनुसंधान किया है कि उस समय मल्ल शास्त्र का कुश्ती लड़ने का कितना विकास उस समय हो चुका था। हाथ से हाथ, पांव से पांव दबा करके एक दूसरे को आप दबा देते हैं महाराज, पहुंचा से पहुंचा, घुटने से घुटना, सिर से सिर, छाती से छाती, उठा के घुमा दें आसमान में, दूर फेंक दें, छाती से लेके पीस दें, धरती पर गिरा दें, ऊंचे उठाए दें, बहुत दूर धकेल दें, नारायण उठावें, ऊपर उठावें, तो लें, गिरावें, जमीन में कर दें। इस प्रकार महाराज जब युद्ध होने लगा तो जो प्रजा थी ना, वहां जनता, कंस को ये पहले से ख्याल नहीं था कि जनता के मन में क्या आएगा बोला, और ये लोग कहने लगे कसाई है, कसाई, कंस क्या है, कंस नहीं, ये तो कसाई है, कहां ये वज्र शरीर बड़े बड़े पहलवान, और कहां सुकुमार शरीर वाले ये दोनों लाला, अभी तो जवान भी नहीं हुए हैं, चलो चलो ऐसी सभा में नहीं बैठना चाहिए, हम लोग हट जाएं यहां से। नारायण, अब देखो ना, कृष्ण के मुंह पर तो पसीना आ गया है, देखो बलराम का मुंह लाल हो गया है, अरे ये तो गाय चराते थे नारायण, बेणु बजाते थे नारायण, कितने मधुर, कितने सुंदर, कितने प्यारे, लावण्य, लावण्य माने हो चटपटा, है ना, जैसे सलोना होता है ना, चने के घुघनी बनाते हैं सलोनी, नींबू मिला दें तो जीभ पर पानी आ जाए, ऐसा श्री कृष्ण का शरीर है, लावण्य सार, नमकीन, चटपटा, मसालेदार, आंखों में प्यार आ जाता है उनको देख करके, अनन्य, असमोर्ध्व माधुरी धुरीण, ऐसे बोलते हैं, उनकी माधुरी जो है उसकी बराबरी का कोई नहीं, उससे अधिक तो होगा कहां से, सबसे अग्रसर, असमोर्ध्व अनन्य सिद्धम, सब लोग आंखों से पीने लगे महाराज, और बोले धन्य हैं गोपियां जो शाम से, सुबह से शाम तक इन्हीं का गाना गाती हैं, आंखों में आंसू है, घर का काम करती जा रही हैं, गाना कृष्ण का गाती जा रही हैं, प्रातः काल सायंकाल आते जाते देखते हैं। सो श्री कृष्ण ने महाराज संकल्प किया कि अरे बाबा, ये लोग डर रहे हैं, देवकी वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी लगा के और कंस ने ला के वहां बैठा दिया था कि अपने बेटों को मरते देखेंगे तो इनको मालूम पड़ेगा कि कंस से बैर करने का क्या नतीजा है।
अब नारायण, अब तो श्री कृष्ण ने अपना शरीर ऐसा वज्र का बनाया कि जहां जहां छुए, ये चाणूर जी की छाती जरा बड़ी प्रबल थी हो, जिसको छाती से लगा के दबा दें वो मर जाए। अब वो चाणूर जी की छाती तो बार बार टूटने लगी, तो एक बार बाज की तरह उसने उछल करके और श्री कृष्ण की छाती पर मारा। ये युद्ध में कुश्ती लड़ने में ऐसा नहीं करना चाहिए। सो महाराज, श्री कृष्ण तो उससे हटे नहीं और दोनों हाथ उसके, वो दोनों घूसे वाला जो हाथ था, दोनों घूसे वाला हाथ पकड़ करके महाराज धरती पर गिरा दिया। नारायण, अब तो उसके बाल बाल बिखर गए और प्राण निकल गए। अब तो मुष्टिक ने भी घूसा चलाया बलराम जी पर, उन पर चलाया हो। और बलभद्र जी ने भी उसको एक तमाचा मार के वहीं धरती पर गिरा दिया, खेल खेल में। अब दूसरे आए सल तोसल मुष्टिक, सबको उन्होंने वहीं मार ही डाला हो, किसी के प्राण नहीं छोड़े। अब ग्वाल बालों को खींच खींच करके आपस में खेलने लगे अखाड़े में। अब तो महाराज लोग जय हो करने लगे, साधु साधु साधु। अरे कंस के सामने ऐसे बोलते हो जय हो? तो महाराज उसने कहा बंद करो बाजा और निकालो इन लोगों को यहाँ से, वसुदेव को मार डालो, सब धन दौलत इनकी छीन लो। अब वो तो महाराज बड़े बड़े हुक्म देने लगा, है ना, ऐसा करो ऐसा करो ऐसे करो। तो श्री कृष्ण ने कहा मामा जी, अभी मैं तो तुमसे मिला नहीं, वहीं आता हूँ, है ना। तो बड़ा ऊंचा बनवाया था कि ये बालक हमारे पास, हमारे मंच पर चढ़ के नहीं आ सकेंगे। तो लघिमनोत्पत्य, हल्का फुल्का, ओके, तो रोज पेड़ पर कूदने का, चढ़ने का, पहाड़ पर चढ़ने का अभ्यास था रहो। तो झट कूद के पहुंच गए उसके पास। उसने सोचा कि तलवार ढाल से इनका सामना करें। तो महाराज वो तो देख के हो, श्री कृष्ण को पास देख के उसका हार्ट फेल हो गया, है ना, वो गिर पड़ा। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने मारा, पर कृष्ण काहे को मारे, है ना, हार्ट फेल हुआ, गिर पड़ा हो। सो उसके ऊपर उसको ढकेल दिया नीचे और उसी के ऊपर श्री कृष्ण कूद पड़े। इतना बड़ा बोझ महाराज धरती पर घसीटने लगे। तो उसको तो वैसे भी चलते फिरते हंसते खेलते बोलते कृष्ण का रूप दिखाई पड़ता था। नारायण, वो श्री कृष्ण में मिल गया। भगवान की जय जय जय। हे नारायण, क्या आनंद है। अब और उसके भाई वाई आए, सो बलराम जी ने पीठ पाट के सबको ठीक कर दिया। अब देवता लोग महाराज इतनी देर तक चुप थे, उनका कृष्ण पर भी पूरा विश्वास नहीं था। वो सोचते थे कि पता नहीं लड़ाई में क्या होगा। जैसे दो पक्ष होता है ना, तो हम लोग चुपचाप रहते हैं, देखो भाई क्या होता है, जरा इंतजार तो करें। सब के सब देवता चुप। अब तो अब देवता लोगों ने देखा कि अब सब मर मर आ गए, तो बस नगाड़े बजने लगे। बोले बस महाराज, हम लोग तो यही चाहते थे। फूलों की वर्षा होने लगी और देवांगनाएं नृत्य करने लगी, बड़े प्रेम से नृत्य करने लगी। अब कंस की स्त्रियां रानियां सब वहां आई और बड़े स्वर से महाराज मुर्दे पर तो लोट लोट गई और आंसू गिरे और विलाप करें स्वर से हो रो में। हमने गांव में सुना है उत्तर प्रदेश में, स्त्री अरे मोरे बिरना ऐसे रोती हैं, अरे मोरे राजा, गाय गाय के यहाँ रोती हैं वो। सभी जगह गाते होंगी ऐसा हम समझते हैं। प्रेम में एक स्वर होता है और प्रेम में एक गति होती है। तो प्रेमी जब बोलता है तब उसकी वाणी में संगीत आ जाता है, और प्रेमी जब चलता है तो उसकी गति में, चाल में एक प्रकार का नृत्य आ जाता है। ये स्वाभाविक है ना, इसमें बनावट नहीं होती है। अब वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि स्वामी, तुम्हारे बिना मथुरा भी अनाथ हो गई, हम भी अनाथ हो गई, और साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि तुमने निरपराध प्राणियों को बहुत सताया था,
इससे तुम्हारी ये गति हुई है नारायण। भूत ध्रुव को लभेत सम, जो बेमतलब दूसरे को सतावेगा उसको शांति नहीं मिल सकती। ये सुभाषित है वो भागवत का, भूत ध्रुव को लभेत सम, जो दूसरे से द्रोह करेगा उसको शांति नहीं मिल सकती। प्रभु ही सबके शरीर में होते हैं, रहते हैं सबके शरीर में प्रभु, वही उत्पत्ति, वही प्रलय, वही रक्षक। जो किसी का भी बुरा चाहता है वो न क्वचित सुख मेधते, जो दूसरे का बुरा चाहता है उसको कभी सुख नहीं मिलता। भगवान ने जाके उनको समझाया, मामी जी नानी जी सब थी, मामी नानी सब थी हो, और बहुत सारी मामी आती हैं, सबको जाकर के समझाया बुझाया। और जो संस्कार है ना मरने के बाद, अपने तो बाबा गर्भाधान भी धर्म है, जन्म भी धर्म है, मरना भी धर्म है, अपने यहाँ यही इसकी विशेषता है कि मृत्यु के साथ भी धर्म जोड़ा हुआ है। जाके श्राद्ध करवाया, अब उसके बाद अपने माता पिता के पास गए, उनके पांव में हथकड़ी बेड़ी लगी हुई थी, उनको उन्होंने काटा और सिर से उनके चरणों में प्रणाम किया। अब देवकी वसुदेव को तो याद आ गया कि ये वही परमेश्वर हैं जो सूती गृह में पहले पैदा हुए थे। सो राम कृष्ण ने तो उनके चरणों में प्रणाम किया, कृत संबंधनौ पुत्रौ सस्वजाते न शंकया, अरे ये तो ईश्वर हैं। सो उन्होंने छाती से नहीं लगाया नारायण। अब श्री कृष्ण ने कहा कि अरे इनको तो मालूम पड़ गया कि मैं ईश्वर हूँ, तो अभी ऐसे करेंगे, तो अपनी माया का विस्तार कर दिया और बड़ी नम्रता से बोले हो बलराम और कृष्ण दोनों, ओ मेरी मैया, ओ मेरी बाप, हम लोग चाहते तो थे कि आपका दर्शन मिले, और आप लोग भी चाहते थे कि हम मिलें, लेकिन इतने दिन बीत गए, ऐसी किस्मत प्रारब्ध ऐसा खराब था कि हम आपके पास नहीं रह सके और आपका लालन पालन लाड़ प्यार नहीं पा सके। आपने हम लोगों को पैदा किया था, कोई भी संतान माता और पिता से कभी उऋण नहीं होती, और जो संतान समर्थ होकर अपने शरीर से और धन से माता पिता की सेवा नहीं करता, मरने पर उसकी दुर्गति होती है। नारायण चाहिए कि माता पिता बूढ़े हों और पत्नी अपनी सती हो और पुत्र अपना बच्चा हो, गुरु है ब्राह्मण है शरणागत है, प्रपन्नम प्रपन्नं च कल्पो विभ्रत्वसन मृतः, प्रपन्न का भी शरणागत का भी पालन करना चाहिए, और न करे तो स्वसन मृतः, वो सांस लेते हुए भी मुर्दा के बराबर है। शरणागति की मर्यादा यही है कि शरणागत चाहे कितना भी दोषी हो, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतदगर्हितम्। सत्पुरुषों का यही धर्म है कि यद्यपि शरणागत दोषी भी हो तब भी उसकी रक्षा करें। रामचंद्र विभीषण की सुग्रीव की दोषी सबके सब, कौन दूध का दुला है ना, कौन दूध का दुला है, तो ये रक्षा करना चाहिए। सो बोले कि पिताजी माताजी आपकी सेवा के बिना हमारा दिन व्यर्थ गया, आप लोग हमको क्षमा कीजिए। अब तो महाराज मोहित हो गए कि ये हमारे बेटे हैं। नारायण झट उनको गोद में बैठा लिया और आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी, अब कुछ बोल ही न सके नारायण। अब इस तरह से उनको आश्वासन देके फिर उग्रसेन के पास गए, अपने नाना जी के पास, और उनको बना दिया राजा और बोले महाराज आप बैठिए सिंहासन पर, हम आपके सेवक हैं। राजा खुद नहीं बने हो कृष्ण, खुद बनते ना तो ये हुआ कि मामा को जो मारा सो राजा होने की लालच से मारा है ना, नहीं लोभ से कंस को नहीं मारा था, लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा कर नारायण। सो बात तो ये कही थी, बिल्कुल बहाना जैसे बनाया जाता है ना वैसे बनाया,
क्या बहाना बनाया कि जजाति का श्राप है कि जदुवंश का कोई राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा, तो मैं तो नहीं बैठ सकता। लो, और उग्रसेन क्या जदुवंश के नहीं है? वो भी उसी वंश में पैदा हुए हैं, वो साफ है तो उन पर भी है। लेकिन अब उग्रसेन के मन में थोड़ी राजा होने की इच्छा, उन्होंने नहीं कहा कि मैं भी जजाति वंश का हूं कैसे बैठूं, ऐसे मना नहीं किया। और नारायण मन में वासना होती है ना, तो ऐसा होता है। अब मैं रक्षा, मैं तुम्हारी उपासना करूंगा, सेवा करूंगा, देवता लोग तुम्हारी सेवा में आवेंगे। तो जहां जो लोग कंस के डर से भाग के गए थे, उनको लाए के बड़े प्रेम से सबको मकान देके, जमीन देके, धन देके सबको बसाया श्री कृष्ण ने। अब तो सब महाराज रहने लगे बड़े आनंद से, श्री कृष्ण का दर्शन करें बड़े आनंद में। एक आश्चर्य कर दिया महाराज श्री कृष्ण ने मथुरा में कि जितने बुढ़े लोग थे सब जवान हो गए, बली हो गए, ओजस्वी हो गए। ऐसा कैसे हुआ का अपनी इंद्रियों से वे श्री कृष्ण के मुखाम्बुज सुधा का बारंबार पान करते थे, जवान हो गए बिल्कुल। तत्र प्रवयसो प्यासन जुवानोति बलौजसः पिबन्तो क्षयिर्मुकुन्दस्य मुखाम्बुज सुधाम मुहुः। अब राज नंद बाबा के पास गए और जाके देखने में तो बड़ी मीठी बोली में कृष्ण बोले, बड़े मीठ बोले हैं वो। बोले बाबा, हृदय से लग गए, बाबा तुम हमारे पिता हो और बड़े स्नेह से तुमने हमारा पालन पोषण किया, लालन किया। अपने सगे माँ बाप जितना प्रेम करते हैं उससे भी ज्यादा तुमने हमसे प्रेम किया। ओ मारा बज्र मारा, नंद बाबा तो समझते थे हमारा बेटा है, जसोदा मैया समझती थी हमारा बेटा है। अब बोले कि असली माँ बाप से भी तुमने ज्यादा प्रेम किया। असल में माँ बाप वही होते हैं जो पालन पोषण करे। हमारे असली माँ बाप तो हमको छोड़ के चले गए थे और तुमने हमको बचा लिया। सब आप लोग ब्रज में जाइए, हम आपको देखने के लिए आप फिर कभी आवेंगे। बहुत सारी भेंट लाके दी। नंद बाबा ने हृदय से लगाया, बोले कुछ नहीं, आंखों में आंसू नारायण, और बड़े प्रेम से लौट के चले आए। ब्रज में बोलते हैं ऐसा कि जब नंद बाबा लौट के आए बड़े दुखी थे परंतु चुप। जसोदा मैया ने पूछा कि महर, तुम अपने प्राण को, अपने लाला को मथुरा में छोड़कर चले आए, तुम्हारे प्राण नहीं निकल गए? अमंगल की बात हो। तो नंद बाबा ने कहा कि देखो महर, हम मरते कैसे? हमारे मन में ये ख्याल था कि यदि मेरे मरने की बात कन्हैया के कानों में पड़ जाएगी कि मेरे लिए मेरे बाबा मर गए, तो उसको कितना दुख होगा। तो हम जिंदगी भर घुल घुल के मरने को तैयार हैं, लेकिन हमारे लाला के कान में ये अमंगल समाचार, ये अमंगल संवाद कभी न पहुंचे कि नंद मर गए। हम मरते रहेंगे, बार बार मरेंगे, रोज रोज मरेंगे, रोज रोज जिएंगे। अब तो महाराज वसुदेव जी ने संस्कार करवाया, जो दक्षिणा जन्म के दिन बोली थी वो गौएं 10,000 दान करी, और नारायण कंस ने तो पहले सब छीन लिया था। इसके बाद संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुआ। कहते हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार में सब, और 3 दिन का विधि पूर्वक संस्कार हुआ। 3 दिन में होता है यज्ञोपवीत संस्कार। एक दिन ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया जाता है, अग्नियाधान होता है, होम होता है, फिर समावर्तन, तीसरे दिन समावर्तन भी हो जाता है। इनका 2 दिन का हुआ, उसमें भिक्षा मांगनी पड़ती, क्योंकि समावर्तन जब वेद पढ़ के आवेंगे तब होगा। सो नारायण भिक्षा की झोली जब हाथ में ली, सिर वेर तो मुड़ गया था और शरीर पर सिवाय एक वस्त्र के और कुछ नहीं, हाथ में झोली और यज्ञोपवीत कंधे पर, और 12-12, 13-13 बरस के तो थे ही हो, 12-13 बरस। जब ब्राह्मण ने कहा, विद्वान ने, कि अपनी माँ से
भिक्षा जाकर पहले मांगो कि माँ हमको भिक्षा दो। उसमें भी नियम है कि पहले भवती बोले कि पहले भिक्षाम बोले, है ना। मांगा जाके तो मांगने का जो अवसर आया तो कृष्ण को ये भूल गया कि देवकी मैया से भिक्षा लेनी है। हाथ में झोली ली और चारों ओर देखने लगे कि हमारी मैया है, जसोदा मैया कहाँ है। आंखों में आंसू आ गए और जोर से पुकार उठे, मैया मैया मैया। अब जितने लोग वहां बैठे थे वो सब रोने लग गए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, सावधान किया लोगों ने। फिर वो गए वहां अवंती, अवंतीपुर उज्जैन। उज्जैन गए, वहां एक सांदीपनी नाम के, सांदीपनी विश्वविद्यालय वहां, विक्रम सांदीपनी, वो पंडित जी काशी के थे। काश्यम सांदीपनी नामो। सो वहां रह करके उन्होंने चारों वेद, छहों शास्त्र, खारहों पुराण, अंग उपांग जितने हैं, और धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, न्याय, जो धर्म के और विद्या के 14 स्थान हैं, सब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 64 दिन में उन्होंने 64 कला की शिक्षा प्राप्त कर ली। एक बार गुरु जी बताते जाएं, सीखते जाएं, वो तो सर्व विद्या के निदान पहले से ही थे महाराज। वो तो दिखाना था, एक परंपरा हो, स्वयं में विद्वान भी हो, तब भी गुरु से शिक्षा उसको ग्रहण करनी चाहिए। बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययन चेता। कालिदास ने कहा, बाबा तुम्हारी जितनी हो, तुम्हारे मन में शक बना रहेगा, सदगुरु से पूछ के उसको सीख लो। अब महाराज उन्होंने गुरु जी से कहा कि कुछ दक्षिणा, महाराज आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। अब वो महाराज ऐसा निष्काम पंडित, यही संस्कृत विद्या की यही महिमा है। हो तनख्वाह लेके पढ़ाने वाले को तो धर्मशास्त्र में अच्छा मानते ही नहीं है। उस ब्राह्मणेन निष्कारणम सदंगो वेदो ध्येयो गेयश्च। ब्राह्मण बिना किसी कामना के सदंग वेद का अध्ययन करे, उसका रहस्य समझे। पंडित जी को मांगना ही नहीं आता था कि क्या मांगे, कुछ नहीं सूझा। तो बोले, अच्छा हमको तो नहीं आता है, हम जरा घर वाली से सलाह कर। अब घर वाली से किया तो महाराज उसको अपने बच्चे बड़े प्यारे थे, उसने कहा हमारा बच्चा समुद्र में डूब गया था, उसको ले आओ। अब समुद्र के पास गए, समुद्र ने कहा हमको तो नहीं मालूम है महाराज, शायद हमारे अंदर ये कसूर रहता है, उसने लिया हो, शंखचूड़ उसका नाम। तो श्री कृष्ण ने उसको मारा, अब उसमें तो कुछ निकले ही नहीं, तो गलती हो गई ना। समुद्र ने भी शंका से, इसी से संशय का लाभ जो है वो अभियुक्त को उठाना पड़ता है ना। किसी को शक हो कि इसने चोरी की कि नहीं की, तो उसको चोर नहीं समझना चाहिए, उसको साहूकार ही समझना चाहिए। जब तक प्रमाणित ना हो जाए तब तक शक के अंदर नहीं आना चाहिए। अब तो महाराज श्री कृष्ण से भी गलती हो गई, समुद्र से भी गलती हो गई। अब श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा भाई गलती तो हो गई, लेकिन इसका जो संख है पांचजन्य, उसको हम हमेशा अपने साथ रखेंगे और बजाया करेंगे। उसी असुर के हड्डी से उनका संख बना नारायण। अब वो गए जमपुरी में, हमारे गुरु जी का बालक जमराज ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और लौटा करके दे दिया। गुरु गुरुवाणी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बस अब हमको और कुछ नहीं चाहिए। उनकी अनुज्ञा लेकर के नारायण आ गए फिर मथुरा में, और मथुरा के लोग बड़े ही प्रसन्न हुए। इसके बाद वर्णन करते हैं नारायण, ये जो जदुवंशी है ना, सबको मंत्री होना चाहिए। हो समय पर कोई संकट हो, कोई काम करना हो, तो एक अकल से काम करने की जगह दो अकल से काम किया जाए तो वो बढ़िया रहता है। हाँ, तो सलाह देने का काम उद्धव जी करते थे और कृष्ण के बड़े प्यारे सखा थे और बृहस्पति के शिष्य थे, बड़े बुद्धिमान थे उद्धव जी। सो महाराज एक दिन क्या हुआ,
कि एकांत में उद्धव जी मिले, वो श्री कृष्ण ने हाथ मिलाया। ये हाथ मिलाने की रिवाज जो है वो बहुत पुरानी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, और जोर से दबाते थे। ऐसा है, निपीड्य पाणिना पाणिम, सुग्रीव और राम का जब हाथ मिला तो रामचंद्र ने बड़े जोर से सुग्रीव का हाथ दबाया हो वो तो चिल्ला उठे, समझ गए कि रामचंद्र के हाथ में कितना जोर है, ये कमजोर नहीं है। निपीड्य पाणिना पाणिम, दबा दिया हाथ। सो नारायण उद्धव जी का हाथ दबाया, मिलाया हाथ है, और बोले कि उद्धव जी, ये जो सब बात आती है ना कि कोई कमल वमल देखा तब श्री कृष्ण को राधा जी की याद आई, ये सब जो है ना नैमित्तिक स्मृति जो होती है वो महत्वपूर्ण नहीं होती है। अपने दिल में स्मरण आना चाहिए कि किसी को देख के किसी की याद आई, ये कोई बात होती है? अब तो उन्होंने कहा चले जाओ तुम ब्रज में और वहां हमारे माता पिता को प्रसन्न करो और गोपियों को जो मिया मेरे वियोग की पीड़ा है उसको शांत करो। ये देखो जो गोपी हैं उनका मन मैं हूँ, उनका प्राण मैं हूँ, उन्होंने मेरे लिए अपना सब शारीरिक कर्म छोड़ दिया है, सो ये मेरा ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर में हम, मेरे लिए जो त्याग कर देता है उसके पालन पोषण का भार मेरे ऊपर आ जाता है। देखो मेरी याद करके गोपियां बहुत दुखी हो रही हैं, अब बड़े कष्ट से अपने प्राण धारण कर रही हैं, उनकी आशा है कि मैं आऊंगा उनके पास, इसलिए उद्धव जी तुम जाओ। सो उद्धव जी उनका संदेश लेके रथ पर बैठ के नंद बाबा के गोकुल में गए, सूर्यास्त के समय वहां पहुंचे हो, गायों के खुर से उड़ उड़ करके धूल उनके रथ पर पड़ गई। अब एक बात आप यहाँ देखो कि श्री कृष्ण के जाने पर भी ब्रजवासी निराश नहीं है, उनके मन में आशा है, उनके मन में आशा है कि कृष्ण लौट करके आवेंगे। बासितार्थे भी युद्धयद्भिर दादितम सुष्मिषि सुष्मिभिर वृषैः धावंती भिश्च वास्राभिः उधो भारी स्वच्छकान, उठी हुई गाय के लिए सांड आपस में लड़ रहे थे मतवाले, और गौएं थन बड़े बड़े थन वाली दूध गिराती हुई नारायण इधर उधर दौड़ रही थी, बछड़े छलांग भर रहे थे, गाय दोहने की आवाज आ रही थी, जगह जगह बेड़ों बज रही थी, गोपियां श्री कृष्ण और बलराम के चरित्र का गान कर रही थी। स्वलंकृताभिर गोपीभिर गोपैश्च सुविराजितम्, सब वस्त्राभूषण धारण किए हुए थे, बड़ी शोभा थी। एक बात, ये अनन्य फनन्य वाली जो बात होती है ना, एक गोस्वामी जी आए थे वो ब्रज में, उनका दरबार लगा था, तो इतने में नंदगांव के कोई समझो खेतिहर गोसाई थे, वो अपने सिर पर ज्वार का बोझ लिए हुए आए, खड़े हो गए लाठी लगा के, तो सब लोग कहने लगे पाल आ गई गोस्वामी जी, पाल आ गई, जय नंदलाल जय राधे रानी। अब वो जो बड़े गोस्वामी जी बंबई के आए हुए थे, मोटे मंदिर वाले, उन्होंने पूछा ये कौन है, सब लोग इनको प्रणाम करते हैं, है कौन? पूछो महाराज, आप पूछ लीजिए, गोसाई जी है, कह जी तुम कौन हो? गोसाई हूँ, गोसाई गोस्वामी। तुम कौन हो? उसने कहा पहले तुम बताओ कि कौन हो, तब मैं बताऊंगा। तो बंबई वाले गोस्वामी जी ने बताया कि मैं अनन्य हूँ, अनन्य। तो उसने कहा मैं फनन्य हूँ, मैं फनन्य गोस्वामी हूँ। बोले बाबा अनन्य क्या हो, फनन्य क्या होता है? बोले कि तब बताओ अनन्य क्या होता है? तो उसने बताया कि जो कृष्ण को छोड़कर दूसरे को न माने सो अनन्य है। तो बोले दूसरे कौन होते हैं जी? जो दूसरे का नाम भी न जाने चार गाली सुनाए, जो दूसरे सालों का नाम भी न जाने है, उसका नाम फनन्य होता है। तो ये ब्रजवासी जो है वो अनन्य फनन्य नहीं है, उनके घर में तो पूजा होती थी सबकी, अग्नि अर्का तिथि गो विप्र पितृ देवार्चनान्वितैः,
धूप दीप इष्ट माल्य इष्ट गोपा वासैर मनोरमम। कैसे कैसे गोपों के घर थे, अग्नि की पूजा, सूर्य जी की पूजा, अतिथि की पूजा, गाय की, ब्राह्मण की, पितरों का श्राद्ध होता था, देवताओं की पूजा होती थी, धूप से दीप से माल्य से, ये तो सब मंगल का सूचक है महाराज। जो लोग ब्रह्म ज्ञान के पहले कल्पना मात्र इसको कहते हैं वो पाप के भागी होते हैं। पहले अधिष्ठान ज्ञान हो जाए तब तो ये व्यावहारिक सत्ता बाधित होती है, और यदि अधिष्ठान ज्ञान नहीं है तब तक इसको कल्पना मात्र कहने वाले को पाप लगता है। अब महाराज नंद बाबा ने तो झट देखा उद्धव जी को, छाती से लगाया और नारायण छाती से लगाया, ऐसा समझा कि साक्षात कृष्ण ही हमारे घर में आ गए, खिलाया पिलाया सुलाया नारायण। अब दोनों जब बैठे तब नंद बाबा, यहाँ तक वर्णन है कि नंद बाबा यद्यपि बुढ़े थे हो और उद्धव जी तो जवान थे, तो कृष्ण के चचेरे भाई थे, वसुदेव के भाई थे देवभाग, देवभाग के पुत्र थे ये उद्धव जी। तो श्री कृष्ण की उम्र के बराबर ही उद्धव जी की उम्र थी। उद्धव का अर्थ है उत्सव, उद्धव उत हव और उत धव दोनों है, दोनों तरह से बनता है। जिसका स्वामी बड़ा उत्कृष्ट होए उद्धव उत उत्कृष्टो धव जस, और उद उत हव, हव माने हवन, जिस श्रेष्ठ यज्ञ उत्सव रूप हो सवाद उत्कृष्ट नारायण उत्सव। सो महाराज उन्होंने पांव दबाया, नंद बाबा ने उद्धव जी का पांव दबाया, पाद संवाहन आदि भी। अब फिर पूछा कुशल मंगल सबका पूछा, और पूछ के पूछ कृष्ण हमारी कभी याद करते हैं कि नहीं, उन्होंने तो हमारी बहुत बार बड़ी बड़ी विपत्ति से हमारी रक्षा की है। हम जब उनकी याद करते हैं, उनकी हंसी उनकी बोली, तो सब काम धंधा छूट जाता है। उद्धव जी देखो ये वही जमुना है, वही पहाड़ है, ये वही श्री कृष्ण के चरण चिन्ह भी दिखते हैं, यहाँ ये खेल किया, यहाँ ये लीला की, सो हमारा मन तो वही हो जाता है। वो तो कोई महापुरुष थे, हम लोगों के बीच में आए थे, बड़े बड़े असुरों को उन्होंने मार दिया नारायण, अब उनका नाम कौन गिनावे। अब तो नंद बाबा रोने लग गए हो, और इसी उत्कंठा हुई कि नारायण प्रेम से बेहद हो गए। नंद बाबा ने तो उद्धव जी से थोड़ी बातचीत भी की, लेकिन जसोदा जी तो एक शब्द नहीं बोले हो, श्रेणवंत यशूण्य वास्त्राक्षित स्नेह स्नुत तयोधरा, बस वो जैसे बोलते हैं ना, छाती में है दूध और आंखों में पानी, ऐसा बस दूध गिरे छाती से और आंख से आंसू गिरे। अब उद्धव जी ने कहा अरे ये तो परमेश्वर है नंद बाबा जसोदा मैया, ये तो साक्षात परमेश्वर है, सबके आत्मा है परमात्मा है। बस जसोदा नंद तो रोते 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 बोले वे एक दिन आवेंगे। हाँ अब ध्यान थोड़ा गया, सब तुम लोग खेद मत करो, देखोगे। अब उद्धव जी फिर उपदेश करने लगे, वो तो सबके हृदय में ही रहते हैं, उनका न कोई अपना है न पराया है। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्य स्थाष्णुश्चरिष्णुर महदल्पकंच, जो कुछ है देखा सुना हुआ होने वाला हो रहा है, जो स्थिर है चर है बड़ा है छोटा है, वो श्री कृष्ण के सिवाय और दूसरी कोई वस्तु नहीं, वही सब है। ऐसी बातचीत करते करते नारायण रात बीत गई। अब गोपियां जगी, उन्होंने पहले अपने घर की सफाई की हो, दिया जलाया, घर की सफाई की, उसके बाद दही मथने लगी। अब दही तो मथे, रस्सी खींचे हाथ से, उनकी शोभा का वर्णन किया है, और मुंह से श्री कृष्ण के गुणों का गान करें। उनको तो अभी मालूम भी नहीं था कि यहाँ उद्धव जी आ गए हैं नारायण। लाल लाल उनका मुंह, रोज वो सवेरे उठ के सफाई करें कि आज शायद कृष्ण आ जाएं।
रोज गाय दुहें, खूब गायों को खिलाएं, खूब प्रेम करें, खूब सेवा करें, तो शायद आज कृष्ण आ जाए। रोज माखन निकाल के उनके लिए रखें। सो जब वो सवेरे उठ के गाने लगी, उद्गायती नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगना नाम दिवमस्पृश ध्वनि दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्य तेजे न दिशा मंगलम। वो जो गांव है उसमें कृष्ण आकाश स्पर्शी ध्वनि थी और दही मथने का शब्द और मिल गया। वो जो दिशाओं में मिला वही अमंगल को दूर करता है। अब सूर्योदय होने पर देखा रही ये रथ किसका है, क्या फिर से अक्रूर आ गया और हमारे प्यारे को फिर से कहीं लेके तो नहीं जाएगा। इसी बीच में प्यारे को एक बार तो ले गया, अभी क्या करने आया है? क्या ये अपने मरे हुए स्वामी कंस का श्राद्ध करने के लिए हम लोगों को लेने के लिए आया है? भर्तु प्रेतस्य निष्कृते। अब तो नारायण गोपियों ने देखा ये तो श्री कृष्ण का अनुचर मालूम पड़ता है, वैसी लंबी लंबी बाह, वैसा बहुत बढ़िया सुंदर आंख, पीतांबरधारी, भगवान के पार्षद भी भगवान शरीर से ही रहते हैं, कमल की माला, बड़ा सुंदर मुखारविंद, कुंडल पहले पहने हुए। अरे ये कौन है, श्री कृष्ण की वेशभूषा कैसे धारण करता है? सो महाराज जान गई कि ये उनका भेजा हुआ है, यानी अपमान नहीं किया हो। किसी का भी अपमान करना ईश्वर का ही अपमान है। यदि मनुष्य के मन में दुर्भाव है, वो कटु वचन बोलता है, किसी को गाली देता है, तो वो ईश्वर को ही देता है। नारायण, जिसको तुम दुष्ट कहते हो, जिसको तुम बदमाश कहते हो, नारायण है जिसको उपद्रवी कहते हो, अपनी जबान तो खराब होती है, अपना दिल भी खराब होता है। नारायण वो क्या है सो तो भगवान जाने, तुम ऐसे हो ये बात मालूम पड़ती है। अरे नारायण, वो ईश्वर को गाली लगती है, वो क्या हम नहीं है? वो क्या नारायण, हमको वो गाली नहीं लगती है? अब तो महाराज बिल्कुल ठीक ठीक जा करके कुछ कहा नहीं गोपियों ने, बड़े प्रेम से जाके उनके चरण छुए हो। अरे ये तो भगवान का आश्रित है, भगवान का आश्रित है, बड़े प्रेम से देखें, शर्म से देखें, सुनृतादि भी बहुत मधुर बोले। अब एकांत में ले गई, उद्धव जी को बैठा लिया और बोले कि हम पहचान गए तुम श्याम सुंदर का संदेश लेकर आए हो, लेकिन हमारे लिए नहीं, माता पिता के लिए कृष्ण ने तुमको भेजा है, नहीं तो वो ब्रज में किसकी याद करते, हम लोग और कोई दूसरा याद करने के लिए आई नहीं है। हाँ माँ बाप हैं, अब उनकी याद तो आती है, दूसरे से जो प्रेम होता है वो तो केवल मतलबी प्रेम होता है। दुनिया में हमने देखा है, गोपियों ने कहा सारे प्रेम मतलब के प्रेम है। अब तो गोपियों की वाणी, उनका शरीर, उनका मान मन, सब का सब श्री कृष्ण में चला गया और घर का सब काम धंधा भूल गया। श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करें, निर्लज्ज होकर के रोएं, हया लाज छोड़ करके रोएं और श्री कृष्ण का स्मरण करें। एक गोपी ने देखा महाराज, काचित, किसी गोपी का नाम नहीं है, न ललिता का न विशाखा का, काचित काचित करके अन्या अपरा परा ऐसे करके आता। उसने देखा एक भावरा है, याद आया कि जब हम रूठती थी तो श्री कृष्ण मनाया करते थे। उन्होंने ही ये अपना दूत भेजा है हमको मनाने के लिए। गोपीवाच मधुपकृत बंधो मा स्पृशांघ्रिम सपत्नीया कुछ बिलुलित माला कुमकुम स्म श्रुभिर्नहा बहतु मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विनम्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। इसको मालिनी छंद बोलते हैं संस्कृत। मधुपकृत बंधो माँ, अरे वो शराबी मौरे को पुकारते हैं, अरे वो मधुप,
वो कपटी के बंधु, बंधु तुम कपटी के सखा हो, हम पहचान गए। ये कितव शब्द जो संस्कृत में होता है, ये बड़ा अद्भुत शब्द है। हो ये अपने में वाक्य भी है और पद भी है। और जैसे किसी की कोई घड़ी ले ले ना हाथ में, आओ लाओ तो देखें, देख सुन लिया और फिर घड़ी लेके जाने लगा, तो घड़ी के मालिक ने पूछा, ये घड़ी आप ले जाएंगे क्या? तो उसने कहा, किम तवा, क्या ये घड़ी तुम्हारी है? अरे हम तो समझते थे हमारी है। इसी को कितव बोलते हैं, कितव। किम तवा, क्या तुम्हारा है? अरे वो कपटी, वो कपटी, कपटी के मित्र, वो शराबी, मत छूना हमारा पांव, मत छूना, जो शराब पीता है वह शुद्ध होता है। देख तू शराबी न होता तो हमारी सवत सवत के छाती की जो माला, उसका कुमकुम श्री कृष्ण के शरीर में लगा, और उसको तो अपनी बड़ी बड़ी मूछों में, भौरे के मूछ होता है वो, लगा के तुम आए हो। अरे जाओ जाओ, उनका प्रसाद वही धोवे, उनकी तो विडंबना होती है तुम, और उनकी बेइज्जती कराने वाले हो। एक बार, केवल एक बार उसने अपने अधरों की सुधा मुझे पिलाई थी वो मोहिनी, और जैसे भौरा फूलों को छोड़ के चला जाता है वैसे हमको छोड़ करके चला गया। पता नहीं ये लक्ष्मी जो है उनके चरणों की सेवा कैसे करती है। अरे हम समझ गई, उत्तम श्लोक जलपई ही। बड़े बड़े महात्मा लोग तारीफ करते हैं और वो भी मीठी मीठी बात करता है, बिचारी का जो मन है वो अपने काबू में नहीं रहा, इसीलिए उनके फंदे में, उनके फंदे में फंस गई। नारायण किम यह बहु सदंग रे, अरे पशु के तो चार ही पांव होते हैं, तेरे तो छह पांव हैं। अरे जोड़ा पशु हुआ कि नहीं? अरे वो पशु है, जोड़ा पशु है तो। ये हमारे पास तो रहने के लिए घर नहीं, चकड़े के नीचे रहती हैं। हम कृष्ण को जानती हैं, वहां जाके राजा हो गए तो अब उनका गाना हमको सुनाने के लिए आए हो? जाओ जाओ, जिन स्त्रियों में वो रहते हैं और उनके बीच में गाओ, उनकी छाती का जो दर्द है उसको वो दूर करते हैं नारायण, और वे तुम्हें खूब इनाम देंगी। अरे कौन है तुम्हारे बिना व्याकुल है? हम जानते हैं कौन ऐसी स्त्री है जो उनके भावों के चक्कर में न पड़ जाए, उनके कपट रुचिर मुस्कान के फंदे में न फंस जाए। अरे स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरण धूलि की उपासना करते हैं। तुम जो कहते हो कि हमको बुलाते हैं, चाहते हैं, ये तो हम गरीबों पर उनकी दया है। छोड़ दे, खुशामद मत कर, चापलूसी मत कर, अपने सिर पर हमारे पांव मत रख। तू दूत बन के आया है, जिनसे हम लोगों ने इतना प्रेम किया, घर द्वार पति पुत्र सब छोड़े, उस कृतघ्न ने हम लोगों को छोड़ दिया, अब हम उससे संधि करेंगे? अरे जन्म जन्म का ऐसा ही है, बाली को मार दिया था, सुरपरखा की नाक काट ली थी, बलि को सब कुछ लेके बांध लिया था, बस बस कारे आदमी पर उद्धव जी मैंने सब कारे अजमाए। कार्य से दोस्ती नहीं करना। लेकिन एक बात है कि उसकी चर्चा अब हमसे नहीं छूटती है। जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट शक्र ददन विधूत द्वंद धर्मा विनष्टा सपद गृह कुटुम्बम दीन मुत्रिया बहवैह विहंगा भिक्षु चर्याम चरंती। उसके चरित्र की, लीला की, एक कर्ण पीयूष, कानों के लिए पीयूष बिंदु, विप्रुट शब्द का अर्थ बिंदु नहीं होता, बिंदु का भी टुकड़ा होता है, सीकर रिजीश फुहिया, एक बार जिसके कान में पड़ गई महाराज, उसकी घर गृहस्थी चौपट नारायण, घर कुटुंब को छोड़ करके बाप दादा को छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं नारायण, पति पत्नी को छोड़ देते हैं, चिड़िया की तरह पेड़ के नीचे रहते हैं, भीख मांग के खाते हैं। ये बाबाजी लोग जो होते हैं वो क्या भगवान को देख देख के थोड़े होते हैं, अरे सुन सुन के हो जाते हैं, और उसकी बात सुनने में ही जा रहे हमारा। हमने तो बड़ी गलती की जो उसकी बात सुन ली।
स्वयमृतमिव वयमृतमिव जिह्म व्याहृतम श्रद्धाना। वो उस कपटी की बात को हमने सच मान लिया, जैसे हरिणियां बहेलिए के द्वारा मारी जाती हैं वैसे उसने। अब उसकी चर्चा मत करो, दूसरी बात करो। देखो भौरा, तुम फिर आए हो, क्या चाहते हो? हमारे माननीय हो, हमको मनाने के लिए आए हो, हमको वहाँ ले जाने के लिए आए हो। उसके पास तो हर समय कोई न कोई रहता है, और नहीं तो लक्ष्मी जी उसकी छाती पर रहती हैं। अच्छा अच्छा, हम लोगों से एक बड़ी गलती हुई भौरा जी। क्या गलती हुई गोपियों? करे तुम इतनी दूर से आए, हम लोगों ने कुशल मंगल भी नहीं पूछा। हमारे आर्य पुत्र श्रीमान जी जो हैं वहाँ आनंद से तो हैं, और कभी अपने पिता माता घर की याद करते हैं, ग्वालों की याद करते हैं, कभी हम किंकरियों की कथा हमारी कहानी याद करते हैं। भुजम गुरु सुगंधम मूर्धन्य तदानु। वो समय कब आएगा जब वो हमारे सिर पर हाथ रख लेंगे। श्री कृष्ण ने सुना, बोले धन्य है गोपियों, तुम लोग धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि तुमने अपना मन श्री कृष्ण में अर्पित कर दिया। दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयम, दूसरे भी कल्याणकारी साधन इसलिए किए जाते हैं नारायण, कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो। तुम लोगों ने श्री कृष्ण के प्रति, इसको गौड़ेश्वर संप्रदाय में बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक मानते हैं, सब साधनों का फल है श्री कृष्ण में प्रेम। और गोपियों ने एक ऐसी भक्ति नई चलाई, भगवत्युत्तम श्लोके भवती भीरनुत्तमा, भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनि नाम अपि दुर्लभा। अरे गोपियों, तुम लोगों ने एक भक्ति का प्रवर्तन किया है, नई भक्ति चलाई है।